उत्तर प्रदेश में हम देख रहे थे कि बरेली में एक पुलिस के अधिकारी एसपी जो कानून के हिसाब से चलाना चाहते हैं, कानून का राज चलाना चाहते हैं, जब उन्होंने देखा कि किस तरह से वहां सांप्रदायिक माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है, किस तरह से पूरे गुंडागर्दी हो रही है, ये इस समय सावन के महीने में सारे कांवड़ यात्रा के नाम पर, तो उन्होंने वहां पुलिस ने अपना काम किया और जब उन्होंने कुछ काम किया उस पर काबू पाने की कोशिश की तो उनको वहां से उनका तबादला हो गया। और दूसरी तरफ एक आरपीएफ का जवान जिसके ऊपर जिम्मेदारी ये थी कि रेलवे यात्री की सुरक्षा उसकी गारंटी करे, रेलवे सुरक्षा बल है, और वो रेलवे सुरक्षा बल का जवान, वो आपने वीडियो देखा और आपने ये भी देखा इस खबर को किस तरह से, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने G20 है और G20 के बाद हो सकता है कि अभी थोड़ा बहुत भी अगर कुछ मामलों में आपको अगर लग रहा है कि सरकार कुछ संयमित है, वो सारा खत्म हो जाएगा जैसे G20 खत्म होगा। दुनिया की नज़र हिंदुस्तान से जैसे ही थोड़ी देर के लिए हट जाएगी और आप देखेंगे कि चुनाव के लिए बिल्कुल वो नफरत का, दमन का नंगा नाच शुरू होने वाला है। और ऐसे दौर क्लब में, इसीलिए आप लोगों से पहले इजाजत लेके मैं वहां जाना चाहता हूं। तो आज पूरे देश के नौजवानों के सामने जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर आपने यहां युवा संसद बुलाई है। तो हम देख रहे हैं कि जो तमाम राज्यों से हमारे साथियों ने जो अपने अपने राज्य की स्थिति के बारे में यहाँ जानकारी दी, तो पूरे देश में इस समय सबसे बड़ा सवाल नौजवानों के सामने रोजगार का है। और ये अचानक नहीं हुआ, पिछले कई सालों से ये मुद्दा बना हुआ है। अगर हम याद करें तो आज से 5 साल पहले 2018 में भी 19 के चुनाव से पहले बिल्कुल ऐसा ही माहौल बना हुआ था। उस समय भी देश के नौजवान रोजगार के सवाल पर सड़क पर थे, देश के किसान कर्जा मुक्ति के सवाल पर, जो उनकी फसल की कीमत है उस मांग को लेकर के सड़क पर थे, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के देश के लोग सड़क पर थे। लेकिन हमने देखा कि जो 19 का चुनाव हुआ, जो आपने चिन्हित किया कि मुद्दा मत भटकाओ, तो मुद्दा भटकाने का काम हुआ। एक पुलवामा कांड हुआ और पुलवामा कांड होने के साथ साथ पूरे देश में माहौल बदल गया। तो माहौल बदलने का और मुद्दा भटकाने का एक बड़ा काम हुआ और जिसका परिणाम हम सबके सामने है, 19 के चुनाव में क्या हुआ और 19 के बाद से लगातार क्या हो रहा है। तो आज भी हमें अच्छा लगा कि आपने इस संकट को भी चिन्हित किया, क्योंकि हमारे सामने तो रोजगार का मुद्दा है, बिल्कुल है। और ये जो रोजगार का मुद्दा है, ये कोई एक बहुत व्यापक मुद्दा है, लंबी लड़ाई है, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हमारे जो रेलवे के साथी बता रहे थे कि हमने परीक्षा क्लियर कर दी, भर्ती नहीं निकाली जाती है, वैकेंसी नहीं निकलती है, वैकेंसी के बाद जो परीक्षा हुई, परीक्षा क्लियर कर दिया, उसके बाद उनको ज्वाइन करने के लिए जो नौकरी उनकी है, उस नौकरी ज्वाइन करने के लिए भी वर्षों का इंतजार, और इसमें भी कितने सारे दांव पेच और इसमें भी कितनी लंबी लड़ाई। इसलिए रोजगार की जो लड़ाई है, ये तो जैसे हमारी क्रांति एक लंबी लड़ाई है, तो रोजगार की लड़ाई भी अब हिंदुस्तान में इतनी ही लंबी लड़ाई बन गई है। पूरे वर्षों तक, दशकों तक लड़ करके तब अगर रोजगार मिलेगा तो मिलेगा। तो इस लंबी लड़ाई में जब हम निकले हैं तो हमारे सामने कहीं पंचायत है, कहीं राज्य सरकार है, कहीं केंद्र की सरकार है, और इतना बड़ा देश है तो राज्य सरकार है तो अलग अलग पार्टियों के भी है अभी भी। हालांकि जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, पूरे केंद्रीकरण चल रहा है, तो पूरे देश में हर जगह ही भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बन रही है, लेकिन अभी भी इस देश में कुछ जगह विपक्षी सरकारें भी हैं। और हम देख रहे हैं कि रोजगार का सवाल नौजवानों के सामने जब आता है तो कहीं कहीं नौजवानों के सामने कोई दूसरी सरकार भी खड़ी है। तो ये लड़ाई बड़ी है, व्यापक है, और इसलिए आपके सामने ये सवाल भी है
कि इस लड़ाई को जब हम लड़ेंगे, इस लड़ाई को जब हम लड़ेंगे तो आंख बूंद करके नहीं लड़ सकते। आंख हमारे खुली हो, दिमाग खुला हो, खुले दिमाग खुली आंखों के साथ इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। क्योंकि हमारा जो रोजगार छीना जा रहा है, तो हमारा रोजगार छीना जा रहा है कोई वैकल्पिक एक रोजगार पैदा करके, और वो रोजगार क्या है, देश की खेती चौपट हो गई लेकिन नफरत की खेती जोरों पर है। कल कारखाने बंद हो गए हैं लेकिन ये कत्ल करने के लिए, हिंसा के लिए एक बिल्कुल एक नई इंडस्ट्री खोल दी गई है। तो ये जो नौजवान जिनको यहाँ खेती में, पढ़ाई में, स्कूल में, अस्पतालों में, कल कारखानों में, दफ्तरों में रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको इन लोगों ने वैकल्पिक रोजगार दे दिया कि तुम हाथ में बंदूक उठाओ और जा करके जुलूस में, रामनवमी के जुलूस में चलो और यहाँ जा करके नारे लगाओ, दंगा करो, और यही तुम्हारा रोजगार है। इसलिए जो नफरत का कारोबार है, इस कारोबार को अगर हम बंद नहीं कर पाएंगे तो हम जो सम्मानजनक रोजगार की बात करते हैं, सुरक्षित रोजगार और सम्मानजनक वेतन की बात कर रहे हैं, वो नहीं बनने वाला, वो नहीं आने वाला। और इसीलिए ये नफरत के कारोबार को बंद करना, नफरत के रोजगार को बंद करना, ये भी हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी है। और बिल्कुल ज़रूरी ये भी है कि मुद्दा भटकाने का मौका इनको ना मिले। तो इस बार बिल्कुल हम ऐसे ही एक मोड़ पर खड़े हैं। निश्चित तौर पर जो 19 में हमने झेला, देखा, तो इसी से हम लोगों को भी बात समझ में आती है। तो इस बार देश में लोग थोड़ा पहले से ज़्यादा सजग है, और इसीलिए ये जो नारा भी आपने दिया, ये नारा भी यहीं से निकला है कि मुद्दा मत भटकाओ। सारे लोग कह रहे हैं कि रोजगार पर अगर हमें लड़ना है तो निश्चित तौर पर जो भटकाने की कोशिश है, जो नफरत की खेती है, कारोबार है, इसके खिलाफ भी जम के लड़ना होगा। आप देख लीजिए कि क्या स्थिति बना दी गई। उत्तर प्रदेश में हम देख रहे थे कि बरेली में एक पुलिस के अधिकारी SP जो कानून के हिसाब से चलाना चाहते हैं, कानून का राज चलाना चाहते हैं, जब उन्होंने देखा कि किस तरह से वहाँ सांप्रदायिक माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है, किस तरह से पूरे गुंडागर्दी हो रही है, ये इस समय सावन के महीने में सारे कांवर यात्रा के नाम पर, तो उन्होंने वहाँ पुलिस ने अपना काम किया। और जब उन्होंने कुछ काम किया, उस पर काबू पाने की कोशिश की, तो उनको वहाँ से उनका तबादला हो गया। और दूसरी तरफ एक RPF का जवान, जिसके ऊपर जिम्मेदारी ये थी कि रेलवे यात्री की सुरक्षा उसकी गारंटी करे, रेलवे सुरक्षा बल है, और वो रेलवे सुरक्षा बल का जवान, वो आपने वीडियो देखा और आपने ये भी देखा इस खबर को किस तरह से दबा दिया गया या इस खबर को बदल दिया गया। सच्चाई तो ये है कि वो RPF का जवान, अब वो जो भी उसके कह रहे हैं, कुछ बहस हुई थी, तो बहस भी हो सकता है कोई राजनीतिक बहस ही हुई हो, और उस बहस के बाद वो जा करके जब अपने पूरे ऊपर के अधिकार जो अफसर हैं, जो सब इंस्पेक्टर थे, उनको गोली से मारा। एक मीना जी थे शायद राजस्थान से, ये मारने वाला उत्तर प्रदेश का था, और 3 मुस्लिम जो वहाँ सफ़र कर रहे थे ट्रेन में, उनको भी मारा चुन चुन करके। क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि वैसे ही गोली चला दिया और 3 लोग मर गए, नहीं, ऐसा नहीं, अलग अलग कंपार्टमेंट में जा करके, कहीं B5 है, कहीं S6 है, कहीं पेंट्री कार है, वहाँ जा करके उसने मारा। और वो वीडियो साफ बता रहा है कि वो कह भी रहा है, वो ये कह भी रहा है मुसलमान लोगों के बारे में कि पाकिस्तान के से ऑपरेट होते हैं, ये मीडिया ने बताया। इस देश में अगर रहना है और वोट डालना है तो बस 2 ही आपके सामने हैं, मोदी और योगी, मोदी और योगी को वोट करना है। तो मोदी और योगी का नाम लेकर के रेलवे के एक पूरे ट्रेन में ये कत्लेआम किया जाता है। और इसके बारे में अब रिपोर्ट ये आ रही है कि ऐसे ही किसी को, उसको छुट्टी नहीं मिली थी, तो बड़ा टेंशन में था और डिप्रेशन में था, तो कभी डिप्रेशन कभी टेंशन कुछ बोल करके कर दिया जाएगा। तो आप ये जो पूरे देश की स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति में हम रोजगार के मुद्दे पर आंदोलन को तेज करना चाहते हैं। हमारे सामने मणिपुर की स्थिति है, बिल्कुल 3 महीने से वो प्रदेश जल रहा है, और 3 महीने से जब वो प्रदेश जल रहा है, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग मरे हैं, सैकड़ों की तादाद में चर्च जला दिए गए हैं, हजारों के, दसियों बीसियों हजार की तादाद में 60,000 से ज़्यादा लोग बेघर हैं, रिलीफ कैंप में हैं, और रिलीफ कैंप के भी बारे में जो रिपोर्ट
अभी हमारे जो सांसद विपक्ष के इंडिया के सांसदों की जो टीम गई थी उस टीम ने भी जो रिपोर्ट लाई है वहाँ से, तो उस रिपोर्ट में बिल्कुल साफ है कि इसमें भी कुछ ऐसे रिलीफ कैंप है जहाँ हो सकता है सरकार की ओर से कुछ मदद जा रही है। ज़्यादातर जो रिलीफ कैंप है, खासकर कुकी समुदाय के लोग जिस रिलीफ कैंप में हैं, वहाँ कहीं से सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई प्रबंधन नहीं है, किसी तरह की कोई मदद नहीं है, वो बिल्कुल समाज और लोगों के जन सहयोग के आधार पर चल रहा है। और इस सवाल को लेकर के ना तो संसद में कोई बहस करने के लिए तैयार है, ना सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई 6000 लोगों का जो FIR हुआ है, क्या आपने ये देखा कि कितने इसमें यौन हिंसा के केसेस हैं, कितने इसमें सांप्रदायिक नफरत है, सरकार ने कहा कि भाई हम आपको बाद में बताएं। तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ऐसी सरकार आ गई है जिसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने G20 है और G20 के बाद हो सकता है कि अभी थोड़ा बहुत भी अगर कुछ मामलों में आपको अगर लग रहा है कि सरकार कुछ संयमित है, वो सारा खत्म हो जाएगा जैसे G20 खत्म होगा। दुनिया की नज़र हिंदुस्तान से जैसे ही थोड़ी देर के लिए हट जाएगी और आप देखेंगे कि चुनाव के लिए बिल्कुल वो नफरत का, दमन का नंगा नाच शुरू होने वाला है। और ऐसे दौर में मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर नौजवानों के सामने बहुत कठिन लड़ाई है। और इसीलिए आपने जब चिन्हित कर लिया कि हमें अपना रोज़गार भी पाना है, रोज़गार के हक को हासिल करना है, सम्मानजनक रोज़गार और सुरक्षित रोज़गार और सम्मानजनक वेतन के साथ, हमें संविधान में जो आरक्षण का हक मिला है जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता है, तो रोज़गार के हर मोर्चे पर हमें आरक्षण का पूरा अधिकार लेना है। और जो मांग अभी उठी है पूरे देश में, जो एक कास्ट सेंसस की भी मांग उठी है, और वो सेंसस अगर हो तो आरक्षण के ऊपर जो आपने जो सीमा लगा दी है उस सीमा को भी ख़त्म करो और लोगों को बिल्कुल ज़रूरत के हिसाब से आरक्षण मिले पूरे देश में, ये अधिकार को लेके भी आगे बढ़ना है। तो हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि हम राजनीतिक तौर पर भी बिल्कुल सजग रहें, सचेत रहें। और हम जो नौजवान सजग हैं और सचेत हैं, हमारे ऊपर ये अतिरिक्त जिम्मेदारी है, जिस गाँव से आप आए हैं यहाँ, उस गाँव में जब लौट करके जाएँगे, उस मोहल्ले में जब लौट करके जाएंगे, अपने अगल बगल में आस पड़ोस में तमाम लोगों को सचेत करना, उनको इस समय जगा के रखना, ताकि हम कहीं भी इस चक्कर में ना आ जाए। ये जो मुद्दा भटकाने की साजिश है, नया कोई पुलवामा आपके सामने थोपने की जो कोशिश हो रही है, इस दौर में भी, कठिन दौर में भी हम लोग जगे रहें और पूरे देश को, देश के लोकतंत्र को, संविधान, इसकी हिफाजत करने का जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, जो सरकार के ऊपर तो कोई जवाबदेही सरकार की नहीं है, लेकिन हम जिम्मेदार हैं, हमारे ऊपर इस देश की एक जवाबदेही है, इस जनता की एक जवाबदेही हमारे ऊपर है। जो नौजवान खासतौर पर लाल झंडे के साथ भगत सिंह और अंबेडकर का नारा लेकर के, नाम लेकर के जो आप मशाल जला करके चल पड़े हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। हम बस यही आपसे अपील करेंगे और आप पर ये भरोसा है कि आप अपनी जिम्मेदारी ज़रूर निभाएंगे और इस यूथ पार्लियामेंट के संदेश को देश के हर कोने तक ले जाएंगे। और आने वाले दिन में एक बहुत बड़ा, जो हम सब लोग सोचते हैं कि शायद अभी भी जो हम नौजवानों का जो आंदोलन है, इसमें जो भागीदारी हो रही है, इससे भी ज़्यादा जब भागीदारी होगी, इससे भी ज़्यादा बड़ी तादाद में जब हम नौजवानों को गोलबंद कर पाएंगे, तब एक लड़ाई और बढ़ेगी और तब हमारे जो भटके हुए नौजवान हैं, जिनको वो आपके रामनवमी के जुलूस में या तरह तरह के धार्मिक आयोजनों में एक उग्र राष्ट्रवाद का नारा दे करके हमारे ही दूसरे साथियों के खिलाफ, कहीं आम मुस्लिम लोगों के खिलाफ, कहीं इस देश के लाल झंडे के ट्रेड यूनियन करने वाले मजदूर नेताओं के खिलाफ, कहीं किसानों के खिलाफ, कहीं महिलाओं के खिलाफ, जो नौजवानों को भड़काया जा रहा है, उस हिंसा में उनको झोंका जा रहा है, उन नौजवानों को भी बचाने का, उनको भी समझाने का, ये भटके हुए, राह भटके हुए नौजवानों को भी एक सही रास्ते पर लाने का भी काम हमारा है। वो भी एक वैचारिक संघर्ष है, वो भी एक सामाजिक संघर्ष है, वो भी एक पूरे संगठन और आंदोलन का एजेंडा है। पर हम उम्मीद करेंगे कि आप इस पूरे एजेंडे के साथ इस यूथ सफल जो यूथ पार्लियामेंट आपने किया आयोजित, इसके संदेश को देश के हर कोने में ले जाएंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों को, और ख़ास तौर पर आपके नौजवान आंदोलन की शुरुआत करने वाले हमारे शुरुआती समय के नेता साथी शहीद चंद्रशेखर से लेकर के देश के तमाम उन नौजवान साथियों को
जो जेल में है इस समय, साथी उमर खालिद जैसे नौजवान जेल के अंदर हैं, कितने सारे लोग दिल्ली में और दिल्ली दंगे के झूठे आरोप में और आपके महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव के भी फर्जी मामले में जेल में हैं। जेल में जो साथी बंद हैं उन सभी साथियों की रिहाई की मांग करते हुए और सभी को लाल